आज का ये रहा हमारा बैकग्राउंड, तो चलते ऐड फोटो पे। और पहले हमें एक PNG लेना होगा, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो फिर से ऐड फोटो में जाएंगे। और आज हम पहले से ही मॉडल का बैकग्राउंड इरेज करके रखा है, तो मॉडल को ले लेते और इसको परफेक्ट मैं उसकी पोजीशन में सेट करूँगा। ओके, तो मुझे लगता है ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने वाला हूँ, मतलब कुछ जगह पे इधर पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, इसलिए ताकि लगे कि ये बेड पे रियल में बैठा है। और आप लोग अगर कहीं पे बैठ के किस पिक को क्लिक करते हो, सॉरी मेरा हिंदी तो आप लोगों को पता है जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप अगर कहीं पे बैठ के इस कॉन्सेप्ट पे अगर फ़ोटो को क्लिक करते हो तो अच्छी तरह से क्लिक करना। मैं तो इंस्टाग्राम से रियाज का फ़ोटो ले आऊँ, तो इसलिए परफेक्ट मतलब नहीं हुआ है, फिर भी लग रहा है भाई हाँ इसमें बैठा है वो। तो ठीक है, ये तो हो चुका है, हम ऐड फोटो में चलते। और ये जो गैस सिलेंडर वाला टैंक है, गैस का टैंक बोलते हैं इसको, तो मैं इसको ले लेता हूँ, थोड़ा साइड की तरफ ले लेता हूँ इसको। ओके, तो ऐसे कर देंगे राइट। और मैं थोड़ा डाटा ऑफ कर दूंगा मेरा, क्या कि मैं इसका शैडो क्रिएट करूंगा। मुझे पता है वहाँ से शैडो क्रिएट कर सकता था, पर उसमें और बॉडी का शैडो हो जाता था, इसलिए नहीं। ऐसे हम थोड़ा सा शैडो क्रिएट करेंगे, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ऐसे थोड़ा स्पीड कर देता हूँ वीडियो। ओके, तो गाइस हो गया हमारा शैडो क्रिएट करना, तो चलते हैं फिर से ऐड फोटो पे। और जो पाइप का फ़ोटो है मतलब PNG, इसको मैं लूँगा और इसको मैं जूम करके सेट कर लेता हूँ। बीच में थोड़ा सा पाइप नहीं है, उसके लिए फिर से दोबारा इस फ़ोटो को लेना पड़ेगा ऐड फोटो में जाकर। आप लोग ऐसे डुप्लीकेट भी कर सकते हो, मैंने ऐड फोटो कर दिया जो भी है। तो एक्स्ट्रा पाइप का PNG नहीं है मेरे पास, यही है, तो आप लोग इसको ही एडजस्ट कर लेना। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैं ये पूरा इन्वर्ट कर दूँगा और ब्रश की हेल्प से मैं फिर से इसको ले लूँगा, मतलब एडिट करते करते बातें करना ऑफ हो जाता है मेरा। तो ओके, तो आप लोग भी अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना, मेरे पास और पाइप का PNG नहीं है। तो ओके, तो जो भी बन गया अच्छा बन गया, तो इसको राइट कर देता हूँ। ओके, तो फिर से मुझे डाटा ऑन करना पड़ेगा। ओके, तो आपको इधर पे स्टिकर पे मार्क्स सर्च करना पड़ेगा, बहुत सारा मार्क्स का PNG आ जाएगा। और अगर आप लोग मार्क्स पहन के फ़ोटो क्लिक करते हो तो तब तो बढ़िया है, मास्क की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इधर से। तो मैं यहाँ से एक मास्क वाला PNG ले लेता हूँ और इसको मैं अभी ओके, तो मास्क को भी मैं सेट कर लेता हूँ, क्योंकि इधर इसका जो साइड का जो क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, मतलब जिसमें लगेगा कि हाँ कान में कुछ मतलब मुंह में लगा हुआ है, मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं। तो जो भी है मैं मास्क को पहले सेट कर लेता हूँ, इधर पे बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। मैं थोड़ा स्पीड कर देता हूँ इधर से मास्क को सेट करने के टाइम, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। गाइस आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ओके, तो गाइस मेरा मास्क जो है वो परफेक्ट लग चुकी है, अब मैं ऐड फोटो में जाऊँगा। और ये जो रॉ वाली मतलब PNG है,
लग रहा है कि जेल के अंदर है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। और कुछ ही रह गए क्या? ओके, तो आप लोग चाहो तो आप लोग खुद की जो लोगो है वो आप लोग ले सकते हो, तो मैं अपना लोगो में ले लेता हूँ जो कि कुछ ये रहा। ओके, तो मैं दोनों ही लोगो ले लिया, इसलिए मतलब एक ब्लैक और एक वाइट, ताकि मुझे लगे कौन सा है यहाँ पर ठीक है मैं देख सकूँ। तो मुझे वाइट वाला ही अच्छा लग रहा है, फिर भी मैं ब्लैक वाला एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको थोड़ा अलग तरह से मेरा जो लोगो है उसको मैंने क्रिएट किया है। अगर आप लोगों को लोगो चाहिए तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि मैंने कैसे बनाया है इसको। तो मैं ब्लैक वाला हटा देता हूँ, वाइट वाला ही ठीक है। तो इसको रख के अब ऐसे राइट कर देंगे और ड्रॉ टूल में जाऊँगा, मैं इसको सेव कर दूँगा। अब हम चलते हैं लाइट रूम ऐप में, उसमें कलर ग्रेड करेंगे हम। तो आ चुके हम लाइट रूम में, इसको पहले ऑटो करके देखता हूँ कैसा है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसका जो एक्सपोजर है वो थोड़ा ज़्यादा करूँगा, मतलब उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी ज़्यादा कर दूँगा, हाईलाइट को कम रखते थोड़ा सा, शैडो ठीक है इसको नहीं हटाएंगे, बाद में देखेंगे। व्हाइटनेस भी बढ़ाया और ब्लैकनेस भी थोड़ा सा ज़्यादा किया। उसके बाद टिंट जो है इसको मैं थोड़ा ग्रीन की तरफ लिया, वाइब्रेंस को ज़्यादा किया और सैचुरेशन को मैं माइनस कर दिया। तो आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पर ना करें तो भी अच्छा है, मेरा हिसाब से करें तो मुझे लगेगा अच्छा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो ये वाला का ह्यूज चेंज किया और ग्रीन वाला का बोल नहीं पाया, तो आप लोग देख लिया होगा। तो इसको मैं इस ऑरेंज वाला को सैचुरेशन कम कर दूंगा और पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा, और रेड वाला का भी सैचुरेशन मैं कम कर दूंगा ताकि फेस में एक ग्रीन ट्यून आए। ओके, तो ब्लू वाला का भी मैं ह्यू को मैं माइनस कर दूंगा, सैचुरेशन को भी माइनस कर दूंगा और ल्यूमिनेंस को ज़्यादा कर दूंगा थोड़ा सा। तो ऐसे कर दूंगा डन। उसके बाद मिक्स के बगल में जो ऑप्शन था उधर पे गया और यहाँ पर देखो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उतना बोल के थक जाऊँगा। तो देख लो मैं उस मतलब क्या ट्यून दे रहा हूँ, ब्लू जैसा कुछ, ग्रीन जैसा। ओके, तो मैं अब क्लियरिटी को ज़्यादा कर दूंगा और डेजर को भी -4 ठीक है। तो बिगनेस को मैं थोड़ा सा कर दूंगा 10, -10। शार्पनिंग को थोड़ा दूंगा, नॉइस रिडक्शन को भी 53। उसके बाद कलर नॉइस रिडक्शन को मैं हमेशा ज़्यादा कर देता हूँ 71। और अगर आप लोगों का पास प्रीमियम लाइट रूम है तो ये वाला टूल आप लोग यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, और अगर प्रीमियम नहीं है तो आप लोग पिक्सर से भी ये वाला इफ़ेक्ट दे सकते हो नीचे वाला, मतलब मैंने जो किया पिक्सर से ड्रॉ टूल के अंदर से आप लोग कर सकते हो, मैंने एक वीडियो में बोला था, मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो देखोगा इस वीडियो मतलब पिक्सर में कैसा था इस फ़ोटो और आप कैसा बन गए, आप लोग देख ही सकते हो, खुद देखो मैं दिखाता हूँ। ओके, बिफोर आफ्टर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।